दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमें हैरान कर देते हैं, लेकिन आज हम जिन 6 लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया को ही हैरान कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, 1986 में पैदा होने वाले कायल मैनार्ड के पैदाइशी तौर पर ही दोनों हाथ और पैर नहीं थे। इतनी बड़ी रुकावट के बावजूद भी कायल बचपन में ही बहुत चुस्त थे और खेलों में हिस्सा लेने का काफी शौक भी था। इसने अमेरिकन फुटबॉल खेला और साथ साथ रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा कायल ने 2004 में बेहतरीन खिलाड़ी होने का SP अवार्ड भी अपने नाम किया, और ये सब तो सिर्फ शुरुआत थी। कायल ने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक किताब लिखी, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने और लोगों से मिलकर उनको हौसला दे, और ये सब अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ। इस शख्स ने माउंट एवरेस्ट को सर करने का फैसला किया, और वह भी हाथों और पैरों के बगैर। इसके लिए कायल ने कई महीनों तक पहाड़ चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर ली। कायल ये पहाड़ 16 दिनों में सर करना चाहता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये सिर्फ 15 ही दिनों में पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया, और बिना हाथों और पैरों के बगैर ही दुनिया का पहला माउंट एवरेस्ट को सर करने का एजाज अपने नाम किया और पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। नंबर 5, स्टैनिस्लाव एक्सनेसव दुनिया के पहले इंसान थे जिसने अपने जिस्म पर हुक्स लगाकर रोप जंपिंग करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इसने लिटरली अपने शरीर पर हुक्स और हार्नेस लगाए, जिन पर रस्सियां बांधकर इसने रोप जंपिंग की। क्या आप सोच सकते हैं कि इस काम को करने में कितनी तकलीफ होती होगी, और ऐसी हरकत इसने एक बार नहीं की। स्टैनिस्लाव दुनिया के मशहूर ऊंचे मुकाम से अपने शरीर पर रस्सियां बांधकर रोप जंपिंग कर चुके हैं, लेकिन उसका कहना है कि इसको ऐसा करने से कोई तकलीफ नहीं होती। नंबर 4, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले इस शख्स का नाम है सेवन राज। इसको लाल और सफेद कलर इतना पसंद है कि वे सिर्फ लाल और सफेद रंग के कपड़े ही पहनते हैं। ना सिर्फ इतना, चादर, पलंग, अलमारियां, स्टाइले, दीवारों का रंग, सब कुछ सिर्फ लाल और सफेद रंग का है। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, रसोई का सामान सिर्फ और सिर्फ लाल और सफेद रंग का है। इसकी पूरी जिंदगी सिर्फ लाल और सफेद रंग के दरमियान ही गुजरी है। ये गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वह भी लाल और सफेद कलर की। लेकिन ये बात यहाँ पर नहीं रुकी, सेवन राज के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी सिर्फ और सिर्फ लाल और सफेद रंग के कपड़े ही पहनता है। नंबर 3, नेपाल से ताल्लुक रखने वाले ये है दुर्गा कामी, जिसने अपना हाई स्कूल 70 साल की उम्र में पूरा किया। दुर्गा कामी एक निचली जाति के खानदान में पैदा हुए और इसी वजह से अपने बचपन में स्कूल नहीं जा पाए थे। ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की, लेकिन जब भी वह किसी स्कूल जाती थी तो उसको वहाँ से भगा दिया जाता था। दिन गुजरते गए, दुर्गा जिंदगी की मशरूफियत में मगन हो गए। जब दुर्गा 60 साल के हो गए तो इसने दोबारा स्कूल की तालीम हासिल करने का फैसला लिया। इसने अपने इलाके में एक छोटे स्कूल में दाखिला ले लिया। वह पढ़ाई में इतने होशियार तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपने पोतों की उम्र के बच्चों के साथ जल्द ही घुल मिल गए। आखिरकार 2017 में दुर्गा ने 70 साल की उम्र में अपना हाई स्कूल मुकम्मल कर लिया और अब वह मास्टर की डिग्री करने का सोच रहे हैं। नंबर 2, समंदर पार करना जितना आसान काम नहीं होता। इंसान ने समंदर पार करने के लिए कई सदियों तक मेहनत की और उसके बाद बड़े बड़े जहाज का उपयोग किया। इस जहाज को बनाने में टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के कई पहाड़ तोड़ने पड़ गए, क्योंकि समंदर पार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस 73वां साला अलेक्जेंडर डोबा के लिए नहीं, इस शख्स ने उम्र के इस हिस्से में ना एक ना दो बल्कि पूरे 3 मर्तबा अटलांटिक ओशन पार किया है, वह भी इस छोटी सी बोट में। एक तरफ अलेक्जेंडर के इस कारनामे ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर को 2014 में नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से एडवेंचर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल गया। नंबर 1, इंडिया से ताल्लुक रखने वाले अहमदाबाद के 6 साल के अरहम ओम तलसानिया दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने 6 साल की उम्र में ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया ही हैरान रह गई। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अधिकृत पियर्सन व्यू टेस्ट सेंटर में कई ऐसी एग्जाम्स ली जाती है जो बड़े बड़े इंजीनियर्स इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते, यानी कि 100 में से सिर्फ 1 या 2 लोग ही क्रैक कर पाते हैं। लेकिन इस 6 साल के अरहम ने इस एग्जाम को पहली ही बार में पास करके दुनिया को हैरान कर दिया।
जहां बड़े बड़े इंजीनियर्स इस परीक्षा को क्रैक नहीं कर पाते, वह काम एक 6 साल के बच्चे ने करके दिखाया। और इसी वजह से 6 साल के इस बालक ने कंप्यूटर की दुनिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। इसी के साथ वो दुनिया के सबसे युवा कंप्यूटर प्रोग्रामर का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए 1000 में से 700 अंक चाहिए होते, लेकिन इस 6 साल के बच्चे अरहम ने 900 अंक हासिल किए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और उन्हें माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट के रूप में मान्यता मिली। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।